नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन ग्रेनो न्यूज़ में आपके साथ। आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी टी एक्सपो 2019 का आगाज हुआ है और हम यहां पे जब भ्रमण कर रहे थे इस एक्सपो में तो हमें एक खास उत्पाद दिखा जो इलेन प्रो कंपनी ने लॉन्च किया है। जी हाँ, ये है फ्रीज़र, मोबाइल फ्रीज़र, और अब इसके ज़रिए आप घर बैठे भी ठंडे उत्पाद जो है घर में डिलीवरी करा सकते हैं। अभी तक मैं बता दूं, आप गरम खाना ही घर में मंगा सकते थे, लेकिन अब जो है ठंडा उत्पाद भी आप घर में डिलीवरी करा सकते हैं। अभी हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं संजय जैन जी। संजय जैन जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें और इस जो खास उत्पाद आपने लॉन्च किया है जनता के लिए उसके बारे में बताएँ। इलेन प्रो आज अपना 10वां साल मना रहा है। हम 10 साल पुरानी कंपनी है और शायद इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रेफ्रिजरेशन कंपनी है। हमारा काम केवल शीतल प्रोडक्ट्स ही बनाना है। ये नया प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में फ्रोज़न प्रोडक्ट या चिल्ड प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जा रही है, उसमें दो चैलेंज आते थे। एक तो डिलीवरी कराना और दूसरा, अगर रिटेल करने की ज़रूरत है तो अभी तक इस तरह का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। ये प्रोडक्ट सौर्य ऊर्जा से चल सकता है और 14 घंटे तक बिना किसी बिजली के ये आपको टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो अगर आप इसमें आइसक्रीम या फ्रोज़न फूड लेके जाते हैं, या जैसे अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है कि जो मछली विक्रेता हैं उसमें मछली ले करके जाएँ जिससे मछली ख़राब नहीं हो। तो उसी तरह अगर मीट है, मछली है, या जो दूध दही मक्खन जैसा प्रोडक्ट होता है वो आप इसमें 14 घंटे तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है, ये जो व्हीकल है ये 80 किलोमीटर तक बिना किसी, इसमें कोई डीजल नहीं लगता, कोई पेट्रोल नहीं लगता, क्योंकि ये बैटरी पे चलती है। तो पूरी तरह से ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और ये 80 किलोमीटर चल सकती है। और तीसरी सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें जो बैटरी रिचार्ज करने का कॉस्ट है वो मात्र मशीन के लिए 3 से 4 रुपये है, जो कि बहुत ही एक लो कॉस्ट है, जिससे कि जो भी इसको चलाएगा उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मात्र 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आज उसको वो खरीद सकता है और वो चाहे तो इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू। तो ये बता रहे थे आप, संजय जैन जी थे, बता रहे थे इस मोबाइल फ्रीज़र के बारे में कि कितना उपयोगी है ये। तो क्या ये अभी ये बाज़ार में ये आ गया है या कब तक ये आ जाएगा? अब ये हमने यहाँ पे लॉन्च किया है तो ये अब अवेलेबल है, अब हम मार्केट में इसको उतार चुके हैं। एक और आप बता रहे थे, एक और उत्पाद को आपने लॉन्च किया है, उसके बारे में बताएं। जैसा अगर आप देखेंगे कि आज के दिन में वैसे तो इंडिया चाय के लिए जाना जाता है, पर हम 8 महीने तो गर्म रहते हैं तो शीतल पेय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए हमने कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि आप जलजीरा या नींबू पानी जैसी चीज़ें या जूसेस आप डिस्पेंस कर सकते हैं। और 30,000 रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है और इसमें हमारे पास में 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक जिसमें आप जूस डिस्पेंस कर सकते हैं, दूसरा जिसमें आप उसी को बर्फ़ के जैसा जमा करके आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और तीसरा है जो लस्सी या दूध से बनी हुई थिक शेक होते हैं वो आप डिस्पेंस कर सकते हैं। तो वो हमने एक अलग इस साल इंट्रोड्यूस किया है। आप बता रहे थे कि आप पहली बार इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है, क्या रिस्पॉन्स आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से? हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि जैसा ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बताया कि उन्होंने ऑल इंडिया से जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं सबको इनवाइट किया है और ये आशा की जा रही है कि करीब करीब 20,000 लोग इस एग्जीबिशन में अगले 4 दिन में आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप थे संजय जैन जी, जो निदेशक थे इलेन प्रो कंपनी के। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी एक्सपो 2019 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये दूसरी बार इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है और यहाँ पे 500 से 600 कंपनियाँ जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो भी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड उत्पाद होता है उससे। तो हम आगे आपको वीडियो में और भी उत्पादों के बारे में दिखाते रहेंगे। मैं रोहित प्रियदर्शन ग्रेनो न्यूज़ के लिए। तो ये ड्रॉप पे जो फ्रेश बियर होती है ये डिस्पेंसिंग करने के लिए, और हमारा ऑलमोस्ट इंडिया में आज 80-85% मार्केट